देखिए, इसराइल हिजबुल्ला के खिलाफ कार्रवाई के लिए दक्षिणी लेबनन में जमीनी चढ़ाई के लिए तैयार है। और इस बीच ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूनाइटेड नेशन में लेबनन के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। लेबनन के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बुहबीब ने कहा है कि लेबनन ऐसे संकट से गुजर रहा है कि उसका वजूद खतरे में आ गया है। लेबनानी विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया भर के देश दखल दें और तुरंत युद्ध विराम करवाएं। इजरायली बमबारी से लेबनन में जबरदस्त संकट है और चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। पहले से चरमराई अर्थव्यवस्था इजरायली मार से और बेहाल हो चुकी है। और इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा में लेबनन के विदेश मंत्री ने कहा है कि उनके देश का वजूद ही खतरे में है और तुरंत युद्ध विराम होना चाहिए। दूसरी तरफ इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हिजबुल्ला के खिलाफ लड़ाई नहीं रुकने वाली। और देखिए, इस बीच इसराइल ने अपने टैंक्स का रुख लेबनन की तरफ कर दिया है। इसराइल कह रहा है कि अब हिजबुल्ला की खैर नहीं, यानी किसी भी वक्त इजरायली सेना लेबनन में जमीन के रास्ते से घुसकर हिजबुल्ला के खात्मे के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज को अपने मुकाम तक ले जा सकती है। वहीं अमेरिका ने हिजबुल्ला इजरायल युद्ध को रोकने की एक बार फिर से अपील की है, लेकिन सवाल है कि क्या युद्ध विराम की अपील से यह जंग थमेगी। हिजबुल्ला को घर में घुसकर मारने के लिए इजरायल ने हल्ला बोल दिया है। पहले पेजर वॉकी टॉकी से हमला, फिर हवाई हमला कर रॉकेट से दागे गोली। अब लेबनान में घुसकर मारेंगे इसराइल के मरकावा टैंक। दरअसल इजरायली पीएम नेतन्याहू ने 24 सितंबर को हिजबुल्ला को आखिरी अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हिजबुल्ला है कि इसराइल पर मिसाइल और रॉकेट दागने से बाज नहीं आ रहा है। अब इजरायली मीडिया ने हिजबुल्ला के हमले का एक वीडियो जारी किया है। देखिए, किरियात शमोना इलाके में हिजबुल्ला ने एक साथ कई रॉकेट दागे। हिजबुल्ला के हमले के बाद युद्ध वाले सायरन की आवाज साफ सुनी जा सकती है। इसीलिए अब हिजबुल्ला को सबक सिखाने के लिए इजरायली सेना किसी भी वक्त जमीनी जंग छेड़कर हिजबुल्ला के खात्मे के लिए लेबनान कूच कर सकती है। हिजबुल्ला का नामो निशान मिटाने के लिए इजरायल ने अपने सबसे ताकतवर टैंक मरकावा का मुंह लेबनान की ओर मोड़ दिया है। इसराइल के बेहद खौफनाक टैंक मरकावा किसी भी वक्त लेबनान में घुसकर अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला के खात्मे के लिए मरकावा टैंक को ही क्यों चुना, तो ये भी समझ लीजिए। ये 160 एमएम की मोर्टार गन 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 48 राउंड गोले से लैस है। इसका वजन 65 टन है और इसकी लंबाई 9 मीटर है। मरकावा टैंक सड़कों के साथ साथ रेत पर भी चलने में सक्षम है। टैंक की मारक क्षमता भी जोरदार है। इसे चलता फिरता बंकर कहा जाता है, जिस पर किसी भी गोले का असर नहीं होता। इसराइल ने हिजबुल्ला की तरफ अपने टैंक मोड़कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं, यानी हिजबुल्ला का खात्मा किए बिना इसराइल रुकेगा नहीं। इसराइल की तरफ से न सिर्फ हमलों में तेजी लाई गई, बल्कि खास तौर से उस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें पुल भी शामिल है उनको निशाना बनाया गया। इसराइल ने उस पुल को भी उड़ा दिया है जो लेबनान को सीरिया के साथ मिलाता था, ताकि वहाँ आवाजाही न हो पाए। इसराइल का मानना है कि ये पुल जो है ये कहीं ना कहीं इसराइल से ईरानी हथियारों के लिए एक रास्ता था लेबनान और हिजबुल्ला के लिए लाने के लिए। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने जो मिसाइलों का सिलसिला शुरू किया था पेजर धमाकों के बाद इसराइल पर, वो लगातार जारी है, लेकिन इसराइल का कहना है उनमें से अधिकतर जो हमले हैं वो मिसाइल हमले जो हैं वो नष्ट किए जा रहे हैं आयरन डोम और एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इसराइल के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी ने हिजबुल्ला को चेतावनी देते हुए साफ कह दिया कि वो जमीनी हमले के लिए तैयार हैं। हलेवी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि लेबनान की सीमा में हम अंदर जाएंगे और दुश्मनों को खत्म करेंगे और उनके बुनियादी ढांचे को भी जमींदोज कर देंगे। इसराइल पर अमेरिका के युद्ध विराम की अपील का भी असर नहीं दिख रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि युद्ध के दायरे के बढ़ने से भारी तबाही का खतरा है। अमेरिका ने हिजबुल्ला इसराइल युद्ध को रोकने की अपील की है। अमेरिका को फ्रांस के साथ साथ यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतर का भी साथ मिला है, लेकिन सवाल है कि क्या युद्ध विराम की अपील से ये जंग थमेगी।
दरअसल पेजर धमाकों के बाद इसराइल ने हिजबुल्ला पर हमलों की बौछार कर दी है। 8 दिन में बेरूत के 6,000 से ज्यादा ठिकानों पर बमबारी की गई है, जिसमें 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस जंग की शुरुआत 17 सितंबर को पेजर धमाकों से हुई थी। तभी से इसराइल चुन चुन कर हिजबुल्ला के ठिकानों और कमांडरों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब नेतन्याहू का अगला टारगेट है हिजबुल्ला का चीफ हसन नसरल्ला, जो अभी बंकरों में छिपा छिपा घूम रहा है। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो इसराइल पूरी तरह से युद्ध करने पर उतारू नजर आ रहा है, तो हिजबुल्ला ने भी ठान लिया है कि वो भी उसी की भाषा में जवाब देंगे। तो इसराइल और अमेरिका से खुन्नस खाया हुआ है, ईरान भी अब हिजबुल्ला की मदद कर रहा है, जबकि फलस्तीन का आतंकी संगठन हमास भी इसराइल के खिलाफ हिजबुल्ला के साथ पहले से है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं, अगर ईरान के आतंकी संगठन हिजबुल्ला और हमास मिल जाएं तो इसराइल के सामने वो कितने ताकत में बैठते हैं। तो इसराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के मिलाकर दोनों को जोड़कर 2,55,465 लड़ाके हैं। इजरायली सेना के पास 2,200 यानी 2,200 टैंक्स मौजूद हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के पास मिलाकर 757 टैंक्स ही हैं। इजरायल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं और हमास और हिजबुल्ला के पास 203 IFV हैं। इजरायल के पास 526 माइन रेजिस्टेंस एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के पास मात्र ऐसे 201 टैंक्स मौजूद हैं। इसराइल के पास 650 स्वचालित टोप है यानी ऑटोमेटिक, और हमास के पास सिर्फ 135 स्वचालित तोप है। इसराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है, जबकि हमास के पास 1,558 फील्ड आर्टिलरी मौजूद है। इसराइली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्ला के पास ऐसे 70 हेलीकॉप्टर्स हैं। इजरायली मीडिया ने बेरूत पर मिसाइल हमले का एक और वीडियो जारी कर दावा किया है कि उसने हिजबुल्ला के एक और कमांडर को मिट्टी में मिला दिया है। एक तरफ अमेरिका इजरायल हिजबुल्ला के बीच जारी जंग को रोकने की अपील कर रहा है, लेकिन इजरायल के विदेश मंत्री ने जंग न रोकने का बयान देकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। हिजबुल्ला से जंग के बीच इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर हैं। नेतन्याहू की गैर मौजूदगी में इसराइल की कमान उसके विदेश मंत्री इसराइल कैट्स संभाल रहे हैं। कैट्स ने अमेरिका और फ्रांस का युद्ध विराम का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है कि इसराइल उत्तर में युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी युद्ध विराम की संभावना से इनकार कर चुके हैं। इसराइली विदेश मंत्री ने कहा कि हम हिजबुल्ला के खात्मे तक रुकने वाले नहीं। इधर हिजबुल्ला भी इसराइल पर लगातार रॉकेट से हमले कर रहा है। IDF ने बताया कि हिजबुल्ला ने 45 रॉकेट दागे, जिनमें कुछ को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही रोक दिया, जबकि कुछ रिहायशी इलाकों में गिरे हैं। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के हमले के बाद से ही हिजबुल्ला ने इसराइल की उत्तरी सीमा पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया था। इन रॉकेट हमलों के बाद से उत्तरी इसराइल के कई गांव के लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताना पड़ रहा है। हजारों की संख्या में इजरायली नागरिक अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं लग रहा जब तक दक्षिण लेबनान में हिजबुल्ला के आतंकी ठिकानों को तबाह न कर दिया जाए। दूसरी तरफ इसराइल हिजबुल्ला के बीच जारी जंग से पूरे क्षेत्र में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अभी तक हिजबुल्ला को पीछे से मदद कर रहा ईरान अब इस जंग में खुलकर सामने आ सकता है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर इसराइल के साथ लड़ाई बढ़ती है तो वो हिजबुल्ला का हर संभव तरीके से समर्थन करेगा। इस आशंका को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब युद्ध विराम के आसार नजर नहीं आ रहे। लेबनान ने ताजा बयान जारी कर कहा है कि बुधवार को हुए इजरायली हमलों में कम से कम 51 लोग मारे गए, जबकि 223 लोग घायल हो गए। इससे पहले 17 सितंबर को पेजर धमाकों में 12 लोगों की मौत हुई, 18 को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 लोगों की जान गई, 20 सितंबर से हवाई हमले शुरू हुए, पहले ही दिन बेरूत में 70 मिसाइलें दागी जिससे 45 लोगों की मौत हो गई। सबसे बड़ा हमला 23 सितंबर को हुआ, जब इसराइल ने 200 ठिकानों को निशाना बनाया। इस हमले में 558 लोगों की मौत हुई, इनमें हिजबुल्ला के कई कमांडर भी शामिल हैं।
फिलहाल सरहद के दोनों तरफ हड़कंप मचा है। इधर इजरायलियों ने उत्तरी इसराइल के शहरों को खाली तो किया, उधर दक्षिणी लेबनान में बसे लोग बेरूत और सीरिया भागने लगे। लेकिन सवाल है कि इस जंग पर कब और कैसे विराम लगेगा। अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।